बहुत सुंदर थे। गाढ़ गधेरों के लिए जाना जाता है अपना जो पहाड़ है। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अपने YouTube चैनल नीरज ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। तो इस ब्लॉग की शुरुआत शाम के साथ हो रही है। जैसा आप देख रहे होंगे अब सब कुछ का महीना आ गया है, तो घास काटना और धान काटना और धान बढ़ाई का जो टाइम है उसको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको। तो आप बने रहे मेरे साथ, मैं चलता हूँ मिलते हैं आपको यहाँ पर धान बढ़ाई का प्रोग्राम चलता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे शाम का हवा, सुनहरा मौसम है कपकोट का। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अब फसल होने लग गई है, असोज आ गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ ये अब धानों का जो सीजन है, कटाई का सीजन शुरू हो गया और धान मारने का भी सीजन शुरू हो गया। लगातार यहाँ जो कपकोट का जो सेरा है यहाँ देख रहे होंगे लोग धान वान मारने का कार्य कर रहे हैं। अभी ये धान वान मान के लोगों ने फराल भी सुखाना प्रारंभ कर दिया है। यह है शाम का सुंदर दृश्य कपकोट का। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा आगे कि लोग किस तरीके से धान मानते हैं। तो यह है शाम का सुनहरा कपकोट शहर का। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी धान काट दिए हैं, बंदरों का आतंक है, इसकी वजह से ये भी कटाई करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। कुछ टाइम बाद इनको माना जाएगा। बहुत ही सुनहरा दृश्य, आज हल्की हल्की बूंदाबांदी नहीं हो रही है, मौसम साफ है बिल्कुल। देख रहे होंगे हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद कल को फिर बादल दिखेंगे। ये शाम का सुंदर दृश्य और यहाँ लोग धान मानते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे होंगे कपकोट में किस तरीके से लोग धान मान रहे हैं। ये अपना कुमाऊं का कल्चर है, कुमाऊनी कल्चर। बहुत ही सुंदर दृश्य ये। यह है अपनी कुमाऊनी संस्कृति, देवभूमि पहाड़, हरे पहाड़, क्या संस्कृति है। ऐसा बहुत देखने को कम मिलता है, क्योंकि लोगों ने दोस्तों आप देख रहे होंगे यह है सरयू तट का नजारा। जो पानी है बिल्कुल स्वच्छ एवं साफ नीला दिखाई दे रहा है। इस समय बाद आज ये ताऊजी और ताईजी घूमने निकले हैं। ताईजी ने बहुत बड़ी लाठी भी पकड़ी है, बंदरों का आतंक है इसकी वजह से। पोथिंग के मेले को मद्देनजर करते हुए पुलिस प्रशासन भी जा रहा है पोथिंग की ओर। आप देख सकते हैं उसका भी एक सुंदर नजारा। देख रहे होंगे आप पुल बाजार में कल पोथिंग के मेले की वजह से भीड़ लगी है, गाड़ियां लगी हैं। रात के मेले में जाएंगे, रात्रि मेले में। यह पुल बाजार का दृश्य। यह दोस्तों सरयू नदी के तट का सुंदर दृश्य और यह है बाहर से भराड़ी दिखाई दे रहा है। ये जो गाड़ी जाते हुए दिख रही है ये जा रही है माँ भगवती के प्रांगण में पुथिंग, क्योंकि आज रात्रि का मेला होता है और कल दिन का मेला, अष्टमी के दिन बहुत ज़बरदस्त मेला होता है माँ भगवती के प्रांगण। ये है पहाड़ों का सुंदर दृश्य। गाढ़ गधेरों के लिए जाना जाता है अपना जो पहाड़ है, बहुत ही सुंदर है सुंदर। पानी है। ये
देखिए जो मेले की गाड़ियां हैं उनको बैक। घास काटने का भी चल रहा है, सिलसिला है, ये भारी घाबड़ है। आप देख रहे होंगे कल को अष्टमी के पावन पर रुक है माँ भगवती के प्रांगण में पुष्टि में मेला है, तो उसमें देखते हुए आप पूरे बाजार में बहुत भीड़ दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा रश है। आप देख रहे हैं गाड़ी से छत में बैठ के लोग जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।